अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लूरिंग कैलीग्राफी। तो गाइस, आज हम लोग सबक नंबर जो 14 था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे जो चैप्टर्स हैं वो 14 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं बच्चों को, और जो ग्रामर है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा, मैं पहले जो मज़मून की रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी, तो इसलिए मैंने आज मज़मून जो आई एम पी मज़मून में से मोस्ट IMP मज़मून है, हर साल आता है, तो आज हम लोग मज़मून करने जा रहे हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ कि मज़मून क्या होता है। जिस तरह इंग्लिश में हमारा ऐसे होता है, ऐसे क्या होता है। हाँ, एक और चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और क्लिक बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी उसकी। तो जैसे कि ऐसे हम जानते हैं इंग्लिश में, हम ऐसे लिखते हैं एक टॉपिक पर। जो ये ऐसे होते हैं वो किस पर होते हैं, एक टॉपिक पर होते हैं। तो इसी तरह जो उर्दू में मज़मून होता है वही होते हैं। तो इसके अंदर हमारा टॉपिक है जैसे कि साइंस के करिश्मे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन में साइंस के करिश्मे आए, साइंस के क्वेश्चन को चेंज करके भी दे सकते हैं, टॉपिक आपको चेंज करके दे सकते हैं कि साइंस के फवाइद पर लिखिए, साइंस के नुकसान पर लिखिए, या किसी भी चीज़ पर आपको सकते हैं। अगर साइंस वर्ड आ रहा है दैट मींस के आपको फिर साइंस पर ही ऐसे लिखना है, ये जो मैंने लिख कर रखे हैं पूरा कंप्लीट करके, तो यही ऐसे ही आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो साइंस ये क्या है, हमारा एक टॉपिक है। तो अब इस टॉपिक को लेकर आपको वजाहत से बताना है कि ये जो आपका टॉपिक है, मजमून जिस पर हम लिखने जा रहे हैं साइंस के करिश्मे, ये क्या है, साइंस के करिश्मे क्या है, साइंस क्या है। तो हम कैसे बताएंगे, ये हमने 4 टर्म्स इसके बना के रखे हैं, 4 पॉइंट्स हैं। आप इस तरह से लिखेंगे तो आपका देखिए हाफ पेज है वो इसी तरह से हो गया, और देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और लग रहा है कि हाँ बच्चे को बहुत अच्छे से आता है। तो हमारा हाफ पेज तो इसी में फिल हो गया, उसके बाद फिर हमने लिखना स्टार्ट किया। तो आपके अगर 2 पेज इसमें अगर आपका एक ऐसे आ रहा है, अगर आप इस तरह से लिखोगे तो 2.5-3 तक आराम से पहुँच जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है तमहीद। अब तमहीद में क्या होता है, जिस तरह इंग्लिश में होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हम जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में बताते हैं, तो इसी तरह ये जो तमहीद है इसके अंदर आएगा कि साइंस से करिश्मे, कि साइंस क्या है, कैसे ईजाद हुआ, क्या चीज़ है, ये सब उसमें आ जाएगा। अब कुछ भी चीज़ रहती है उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो सेकंड हमारा टॉपिक हमने पॉइंट क्या बना लिया है, साइंस के फ़वाद। फ़वाद किसकी जमा है, फ़ायदे की। तो साइंस के फ़वाद, थर्ड हो गया हमारा साइंस के नुकसान, फोर्थ हो गया खात्मा मीन्स एंड। जो हिंदी में उपसंहार भी होता है, जैसे कि तो लास्ट में जो आपका जो टॉपिक है उसके बारे में आप किस कॉन्क्लूजन पे पहुँचे हो, लास्ट में जो एक रहता है, ऐसे में भी रहता है कि कॉन्क्लूजन के हम लास्ट में किस पर किस बात पे पहुँचे कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो चीज़ अच्छी है, बुरी है, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे। अगर आपके पास कुछ भी ऐसे आ जाए और अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ भी है, तो आप उस ऐसे को इस तरह से 4 पॉइंट्स में डिवाइड करके आराम से लिख सकते हैं, आपका टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपका उसकी वजाहत भी आप टॉपिक की कर दोगे तो आपका पेजेस भी ज़्यादा फिल हो जाएंगे और अच्छे से आप लिख भी सकोगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि साइंस के करिश्मे हम लिखने जा रहे हैं, तो तमहीद, साइंस के फवाइद, साइंस के नुकसान और ये खात्मा। अब इसमें हम ये बताएंगे कि साइंस क्या है, कैसा है, इस साइंस के बारे में हम बताएंगे। अब उसके जितने भी फायदे हो रहे हैं वो इसमें बताएंगे, जितने भी नुकसान हैं वो इसमें बता देंगे, और खात्मा लास्ट हम किस बात पर पहुंचे हैं कि साइंस कैसा है, कैसा नहीं है, वो हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यह है तमहीद। तमहीद हम साइंस के बारे में बताएं, साइंस अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है, साइंस अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है जिसके मायना है इल्म, ठीक है। आज का दौर साइंस का दौर है, जहां तक नजर जाती है साइंस ही नजर आता है। नई नई ईजादात, ईजादात ईजाद की जमा, ईजादात ने आज इंसान को हैरत में डाल दिया है। घर से लेकर कारखाने तक हर तरफ साइंस की ईजाद करता चीजें हैं, साइंस की ईजाद करता चीजें नजर आती हैं। अगर लाइट ना हो तो हमारे सारे काम रुक जाते हैं। साइंस की नेमतों से अमीर गरीब, मर्द औरत सब फायदा उठा रहे हैं। साइंस हमारी जिंदगी का दिल है, ठीक है। अब आ रहा है सेकंड टॉपिक, साइंस के फवाइद। अब साइंस के फवाइद, साइंस के जरिए आज हमारी जिंदगी की रफ्तार और बढ़ गई है। साइंस की वजह से काम घंटों का मिनटों में तब्दील हो गया है, सारे मुश्किल काम आसान हो गए हैं। पहले जमाने में लोगों को दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता था, आज मोटर गाड़ी, हवाई जहाज, रेल वगैरह
से सफर आसान हो गया है। मोबाइल फोन इंटरनेट ने हमारी याददाश्त को और मजबूत बना दिया है। आज टीवी कंप्यूटर के जरिए हजारों लाखों लोग एक खबर को एक साथ देख सकते हैं। हम पैराग्राफ चेंज करेंगे फिर यहाँ पर। टेलीफोन अखबार किसकी जमा है? अखबार की। टेलीविजन के जरिए हमारी दुनिया हमारे के जरिए तमाम दुनिया की पल पल की खबरें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। हर महकमा, महकमा मीन्स डिपार्टमेंट, साइंस पर मुनहसिर है। साइंस की वजह से इंसान चांद पर पहुंच गया है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया साइंस के फवाद। अब इसके बाद है साइंस के नुकसान। ठीक है, तो साइंस के नुकसान, साइंस के जहाँ बहुत से फायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान तो यह है कि साइंस और मादी तरक्की की दौड़ में इंसान रूहानी अखलाकी मकासद को, मकासद किसी जमा मकसद की, मकासद को भूलता जा रहा है। साइंस की तरक्की से मशीनें बनी, मशीनों ने आदमियों की जगह ली, तो बहुत से आदमी बेरोजगार हो गए। साइंस का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंस हमारे लिए बद्दुआ बन रहा है। आज हजारों बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इंसान के पास वक्त नहीं है। हजारों लोगों को एक बार में मारा जा सकता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जहरीली गैस हमारे माहौल पर गलत असर कर रही है। ये हमारे आसपास के माहौल को गंदा कर रही हैं। ये सारा तमाम साइंस के नुकसान। अगर आप चाहो, आपको और भी जो लग रहा हो कि जो बीमारियां हो रही हैं, तो आप बीमारी वजाहत भी कर सकते हो, बीमारियों के बारे में भी लिख सकते हो। अगर आपको अपना ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो तो आप वो भी इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद है लास्ट खात्मा, अख्तिताम, खात्मा जो कि लास्ट। अब आपने साइंस के फवाइद भी लिखे, पहले ये बताया कि साइंस क्या है, फिर उसके नुकसान लिखे, फायदे लिखे। अब हम लास्ट में क्या लिख रहे हैं? खात्मा। कि खात्मे में लास्ट में हम क्या कह रहे हैं कि तमाम दुनिया एक बहुत बड़े खतरे से दो चार है। आज तमाम दुनिया की किस्मत हाइड्रोजन बम से बंधी हुई है। किससे बनी है? हाइड्रोजन बम से बनी हुई है। हजारों साल पुरानी इंसानी तहजीब का खात्मा हो सकता है। साइंस ने हमें कई तरह की आसानी भी दी है और परेशानियां भी। जितनी बीमारी है उनका इलाज किससे होता है? साइंस के थ्रू ही। आजकल इतनी बीमारी है, लेकिन ये बीमारी आ कहाँ से रही है? साइंस के थ्रू ही आ रही है। साइंस एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, एक तरफ फवायद हैं तो दूसरी तरफ नुकसानात। साइंस को दुआ और बददुआ बनाने वाला इंसान ही है। अब हम लास्ट में क्या कह रहे हैं कि इंसान ही है। साइंस के बहुत से फायदे भी हैं और बहुत से नुकसानात भी हैं, लेकिन अब उसको दुआ और बददुआ बनाने वाला या रहमत को जहमत बनाने वाला कौन है? इंसान ही। अगर इंसान उसका अच्छा यूज करे तो वो उसके लिए वरदान है या दुआ है, अगर गलत इस्तेमाल करे तो वो उसके लिए बददुआ बन जाती है। तो मैंने इसको अलग से भी थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप चाहो, ये मैंने अच्छा बड़ा लिखा है, अगर आपको बहुत बड़ा लग रहा हो तो आप क्योंकि बहुत से लोग जिनको उर्दू अच्छी आती तो वो चाहते हैं कि थोड़ा बढ़ा कर लिखें, बड़ा चाहे उनको बड़ा मजमून चाहिए रहता है या बड़े आंसर्स चाहिए रहते हैं, बड़ी तशरी चाहिए रहती है, तो इसलिए मैंने बहुत बड़ी इसके वो लिखी है पॉइंट्स। तो अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप इसको शॉर्ट कर लीजिएगा, जहाँ से आपको इजी लगे आप वो लाइन लिख लीजिएगा। अगर आप बड़ा लिखना चाहते हैं फुल मार्क्स तो आप इसमें से लिख सकते हैं, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीन शॉट लेकर इसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो ये जो हमारा मजमून था ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और चीज है जो कि आती है एग्जाम्स में, ज्यादातर 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लेटर या एप्लीकेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम, इसी तरह इसमें होती है दरख्वास्त। ठीक है, तो 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त ये ज़्यादातर नॉर्मल है, ये IMP है जो आती है, ज़्यादातर ये आती है। तो इसके लिए मैंने इसकी वीडियो तैयार की है, 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त। तो ये लिखने का भी एक तरीका होता है, जो एप्लीकेशन से रहती हैं उनको लिखने का तरीका होता है, जो मैंने पूरा तरतीब से लिख दिया है। अगर आपका स्कूल का लिखना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे अपना ये बखत में जनाब हेड मास्टर साहब या आप चाहो तो प्रिंसिपल साहब भी लिख सकते हो। गवर्नमेंट जहांगीरिया स्कूल, अगर आपको दूसरा स्कूल डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ आ जाता है जो फर्स्ट लाइन रहती है, आप किसको एप्लीकेशन लिख रहे हो, दरख्वास्त लिख रहे हो, हम ये वो लिखेंगे। सेकेंड लाइन में हमारा आता है स्कूल का नाम और थर्ड में आता है उस स्कूल का एड्रेस। ठीक है, तो अगर आपको कभी
जरूरत तो पड़ती ही होगी लिखने की, तो कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप तो भी लिख सकते हो, बट अगर एग्जाम में लिखना है तो आप ये लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद आता है मजमून, ठीक है। मजमून में क्या रहेगा कि आपका उन्वान क्या है, आप किस चीज पर ये जो लिखा है आपने पढ़ा किस चीज के लिए लिखा है। तो क्या आ जाता है, 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त, हम क्या ले रहे हैं, हम 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त चाहिए जिस वजह से हमने एप्लीकेशन दी है, दरख्वास्त दी है। तो जनाबे आली गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल की या का जो भी लिख रहे हैं दर्जा दहम यानी होता है 10th क्लास, दर्जा दहम यानी कि 10th क्लास की तालिब इल्म या तालिब इल्म दोनों एक ही हो जाएगा हूँ, की या का, दर्जा दहम का या की, ठीक है। तालिब इल्म ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको लिखने पे, अगर आप बॉय हैं तो का, गर्ल हैं तो की। और मुझे कल रात से बुखार आ रहा है जिस वजह से मैं स्कूल में हाजिर नहीं हो सकती या सकता, मेहरबानी फरमाकर मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की जहमत करें, आपकी ऐन नवाजिश होगी, शुक्रिया। वक्त आपकी, आपका शागिर्द, नाम अली बे औरतें, दर्जा दहूं। उतारे हो जो भी हो आप वो डाल सकते हैं इसके अंदर।